Hey guys, what's up? I'm back with a new drawing video. So guys, आज इस वीडियो में मैं 14 फरवरी ब्लैक डे के ऊपर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा ट्रिब्यूट है इंडियन आर्मी को। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग ड्राइंग को करना स्टार्ट करते हैं। और कोई भी पेज आप लोग ले सकते हो इस शेप का। तो ये कोई आप लोगों का कोई फिक्स्ड पेज नहीं है, ये कोई सा भी पेपर मैंने लिया है। और ये कार्डिस पेपर के ऊपर ही मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा। और ऑयल पेस्टल हम लोग यूज़ करेंगे कलरिंग में। तो एक ही वीडियो में मैं आउटलाइन और कलरिंग दोनों दिखा दूंगा। सो गाइस स्किप मत करो, वीडियो को पूरा देखो और चलो हम लोग ड्राइंग को करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ड्राइंग करने से पहले आप लोग चारों ओर मास्किंग टेप से चिपका देना पेपर को। और आप लोगों को एक HB पेंसिल लेना है और उससे आउटलाइन को क्रिएट कर लेना है। अगर आप लोग चाहो तो 4B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। इस ड्राइंग का कोई पार्टिकुलर कोई रेफरेंस फ़ोटो नहीं है, क्योंकि ये ड्राइंग मैंने खुद क्रिएट करा है। तो अगर आप लोग भी ड्राइंग करना चाहते हो तो जो मेरा ड्राइंग का फ़ोटो है वो मैं कम्युनिटी ऐप में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। वहाँ से जाके आप लोग स्क्रीनशॉट लेके या ड्राइंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आउटलाइन को क्रिएट कर रहा हूँ और बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं लगा दे रहा हूँ ड्राइंग में। तो देखो वीडियो को फॉलो करो और मेरे साथ साथ अगर ड्राइंग करोगे तो बहुत अच्छा होगा, या फिर आप लोग बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखो एंड तक स्किप मत करो, आउटलाइन को पूरा देखो। ड्राइंग जो आउटलाइन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके ऊपर हम लोग कलर करेंगे। और कलर जो है मैं डोम्स का ऑयल पेस्टल यूज़ करूँगा। तो जो जो कलर मैं यूज़ करूँगा वो आप लोगों को बताता रहूँगा, इससे आप लोगों को मदद मिल जाएगा। और स्किन के ऊपर अगर मैं डालूँगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कौन सा कलर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो जो कलर यूज़ किया है आप लोगों को डाल दूँगा, देख लेना। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पर DP वाला कलर यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से चारों ओर आप लोगों को अप्लाई करना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को वर्मिलियन ह्यू कलर से उसके ऊपर आप लोगों को कोट देना है एक। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो मुझे, आप लोग कलरिंग कर पाओगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत प्राइमरी रेड कलर यूज़ करूँगा। अब आप देखो सर्कल शेप में मैं यहाँ पर ड्रॉ कलर कर रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। और एंड में आप लोगों को ब्लैक कलर का यूज़ करके पूरे बैकग्राउंड में फिल कर देना है। तो जल्दी से कर लेता हूँ, पूरे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर मैंने अप्लाई कर दिया है। आप देखो जो जो कॉर्नर्स है साइड वाले पोर्शन है जो जो ऑब्जेक्ट के, वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का बॉर्डर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग कलर पेंसिल में जो ब्लैक कलर है वो उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप लोग एक बॉर्डर पेंसिल खरीद भी सकते हो, जो आप जिसमें कंफर्टेबल है उसे यूज़ करना। तो यहाँ पे देखो पूरे में कर देना है। कलर हो जाने के बाद आप लोगों को कॉटन बार्ड या फिर किसी भी ब्लेंडिंग टूल को लेके लाइट टू डार्क आप लोगों को ब्लेंड करते जाना है। और जिस तरह से हम लोग ने जिस डायरेक्शन में सर्कल करके हम लोगों ने कलर अप्लाई किया था उसी तरह से आप लोगों को कॉटन बार्ड यूज़ करना है राउंड मोशन में,
तो लाइट टू डार्क करना ये याद रखना आप लोग। तो ब्लेंडिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है जो बैकग्राउंड में था, तो बैकग्राउंड कुछ इस तरह से लग रहा है। आप लोग पीछे से ऊपर से नीचे तक आना आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर मिडिल से स्टार्ट करोगे तो ड्राइंग ख़राब हो जाएगा आपके हाथ लग कर। तो ये ऐसे ध्यान रखना, ऊपर से करना। तो यहाँ पे देखो जूम कर रहा हूँ और कलर को स्टार्ट कर रहा हूँ, जो जो ऑब्जेक्ट है, जो कैंडल है उस पर कलर फिल कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट आप लोग वर्मिलियन ह्यू कलर को अप्लाई करना, उसके ऊपर लाइट येलो लेमन येलो कलर को यूज़ करना और ब्लेंड कर देना कुछ इस तरह से। अब उसके चारों ओर आप लोगों को प्राइमरी रेड कलर को एक बॉर्डर के जैसे यूज़ करना है और अंदर की तरफ आप लोगों को वाइट कलर से हाईलाइट कर देना है उसे, और उसके नीचे थोड़ा लाइट दिखाने के लिए लाइट एंड शैडो का अब यूज़ यहाँ पे काम है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लेमन येलो और वर्मिलियन ह्यू कलर का यूज़ करूँगा और हाईलाइटेड पोर्शन में वाइट कलर से शेड दूँगा, और नीचे का पोर्शन जो है वहाँ पे भी मैं लेमन येलो थोड़ा बहुत यूज़ करूँगा और ग्रे कलर से मैं यहाँ पे कलर करूँगा। पूरे में आप लोगों को ग्रे कलर अप्लाई करना है, उसके साथ साथ आप लोगों को वर्मिलियन ह्यू कलर यूज़ करना है और लाइट एंड शैडो को ध्यान में रख के आप लोगों को करना है। उसके लिए वीडियो को पॉज करो या फिर स्लो करके देखो और ब्लेंड कर देना है। आप थोड़ा पेशेंस रख के करो, थोड़ा टाइम दो। अब मैं यहाँ पे शैडो का पोर्शन दिखा रहा हूँ, जो शैडो वाला पोर्शन है वहाँ पे मैं ब्लैक कलर का बॉर्डर पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और जो कैंडल है वो थोड़ा बहुत पिघल के गिर रहा है, उसे दिखाने के लिए भी मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ करूँगा, थोड़ा रियलिस्टिक फील लगेगा आप लोगों को। और उसके साथ साथ आप लोगों को वर्मिलियन ह्यू कलर भी यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे मैं इस तरह से कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, और एंड में आप लोगों को वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते जाना है ब्लैक पेंसिल से। शार्प कर लेना ब्लैक पेंसिल को अगर शार्प नहीं है तो। और यहाँ पे देखो मैं अब सैप ग्रीन कलर और ब्राउन कलर को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोगों को ब्लैक पेंसिल से आउटलाइन को कर देना है, इस तरह से मैं कर रहा हूँ। अब नीचे का पोर्शन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर को यूज़ करूँगा और उसके ऊपर लाइट ब्राउन को यूज़ करूँगा, और जो यहाँ पे देखो मैं मीडियम येलो कलर को यूज़ करूँगा और उसके ऊपर मैं ब्लैक पेंसिल से आउटलाइन को क्रिएट कर दूँगा। ये हो जाने के बाद आप लोगों को जो फिगर है उसके स्किन कलर के लिए मैं यहाँ पे लाइट पीच कलर का ही यूज़ करूँगा, एक ही कलर मैं यूज़ करूँगा। और हेयर्स के लिए यहाँ पे देखो ब्राउन कलर का यूज़ करूँगा, लाइट ब्राउन। और ड्रेस के लिए यहाँ पे ग्रे कलर और प्रूशियन ब्लू कलर को यूज़ करूँगा। हेयर्स के ऊपर आप लोगों को ब्लैक बॉर्डर पेंसिल से ड्रॉ कलर करना है। और यहाँ पे देखो जो तिरंगा का कलर है वो ड्रॉ कलर कर रहा हूँ मैं, वर्मिलियन ह्यू और डीप ग्रीन कलर का यूज़ किया है। और नीचे का पोर्शन आप लोगों को क्रिएट करने के लिए जो ग्रास है वहाँ पे लाइट ग्रीन और डीप ग्रीन कलर का यूज़ करना। डीप ग्रीन शैडो वाले एरिया में क्रिएट होगा जहाँ पे शैडो डार्क पोर्शन दिख रहा है, और उसको ब्लेंड कर देना, लाइट टू डार्क ब्लेंड करना। और यहाँ पे देखो थोड़ा लाइट एंड शैडो को दिखाने के लिए ब्लैक कलर का पेंसिल यूज़ करूँगा। यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, और उसके ऊपर आप लोग जो डीप ग्रीन है उसे फिर से एक बार शेड दे देना। ड्राइंग लगभग कंप्लीट होने ही वाला है, तो एंड रिजल्ट देखने के लिए थोड़ा वेट कर जाओ। सो गाइस, आई होप कि ड्राइंग वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, एक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हुए तो। और कोई भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना मुझे, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।